राजस्थान की कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, परंतु मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। लाल डायरी भ्रष्टाचार की तो है ही, परंतु काली डायरी जो बन चुकी है राजस्थान में, महिला उत्पीड़न की, युवाओं के साथ अत्याचार की, साधु संतों पर अत्याचार की, अब उसमें और भी नए नए पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। दौसा जहां पर एक साधु संत की हत्या की गई, उसी दौसा में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार पर जानलेवा हमला होता है। केवल यही नहीं, केकड़ी में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, और बलात्कार महिला उत्पीड़न तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 15 से 20 घटनाएं प्रतिदिन होती है। आज उदयपुर से घटना सामने आई है कि 20 दिन तक बच्ची को, माइनर को बंधक बनाकर रखा और रेप किया गया उसका। दलित महिला के साथ भी जिस प्रकार से रेप किया गया, 5 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया गया, ये डीडवाना की खबर सामने आई है। अभी तक शायद सारे अपराधी पकड़े भी नहीं गए। ये इसलिए होता है क्योंकि अशोक गहलोत जी की प्राथमिकता केवल सत्ता बचाओ, अपराधी बचाओ है, बेटी बचाओ नहीं है। परंतु शर्म तो तब आती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राजस्थान आ जाती है। पिछली बार भी आई थी दौसा, उसके बाद आज झुंझुनू उनके पहुंचने की कल की खबर है। क्या वो इन महिलाओं के साथ जाकर, उनके परिवार के साथ जाकर, पीड़ितों के साथ जाकर सांत्वना प्रकट करेंगी, सवाल पूछेगी अपनी सरकार से? करौली की घटना हुई वो शांत रही, भीलवाड़ा की घटना हुई वो शांत रही, हनुमानगढ़ में रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर दी वो शांत रही, अब एक दलित महिला और एक माइनर बच्ची के साथ जिस प्रकार की बर्बरता हुई है और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, ना साधु संत सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के प्रमाण सामने आते हैं। केवल और केवल तुष्टिकरण के नाम पर PFI और कट्टरपंथी जो लोग हैं वही सुरक्षित है, दंगाई सुरक्षित है, बलात्कारी सुरक्षित है। प्रियंका वाड्रा जी, क्या आप इस पर जवाब देंगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।